हेलो फ्रेंड्स, चैनल केयर ऑल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन LTD यानी कि बेल्ट्रॉन्स के एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। तो आप सभी को शायद मालूम नहीं होगा कि बेल्ट्रॉन्स से जो है कि अचानक ऐसा क्या अपडेट आया है, ताकि आप सभी के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने 2019 में जो बेल्ट्रॉन्स के जो फॉर्म आए थे उसमें जो कि बहुत सारी गलतियां कर चुके हैं, और वो सभी का सवाल था हमसे। कुछ दिन पहले पूछा करते थे कि सर मैंने डिस्ट्रिक्ट का है जो कि सिलेक्शन गलत किया है, कितना बोलते थे कि सर मेरा जो है कि नाम गलत हो गया है, या कितना बोलते थे सर फॉर्म ही फिलअप गलती कर दिए हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए बेल्ट्रॉन की जो है कल रात को, यानी कि कल रात को नहीं कहेंगे शाम को, यानी कि लगभग 5 बजे शाम को एक बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन आया है। जो भी स्टूडेंट बेल्ट्रॉन के जो फॉर्म भरे होंगे 2019 में, तो वो सारे स्टूडेंट के पास ये नोटिफिकेशन जरूर गया होगा। और कितने सारे स्टूडेंट हैं जो कि ये नोटिफिकेशन को देख पाए होंगे, कितने सारे हैं जो कि नहीं देख पाए होंगे। तो जिन स्टूडेंट को मालूम नहीं है कि यह जो अपडेट आया है या कौन सा अपडेट है, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बारीकी से जो कि पूरा जो इसके जो अपडेट हैं उसको मैं आपको बतलाने का प्रयास करूँगा। तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप इस अपडेट के बारे में आप अच्छे से जानकारी ले सकें। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो वीडियो बनाने का मकसद था, जो कैंडिडेट 2019 में जो बेल्ट्रॉन्स के जो वैकेंसी आई थी तो उसमें जो फॉर्म फिलअप किए थे तो उनमें है जो कि कुछ गलतियां हो गई थी। तो वो जो गलतियां हैं वो सुधारने के लिए है जो कि बेल्ट्रॉन ने है 21 तारीख को शाम 5 बजे है जो कि एक नोटिफिकेशन सभी को दिया है। तो वह नोटिफिकेशन क्या है मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। डियर कैंडिडेट्स, प्लीज अपलोड एडिट और चेंज योर बैंक चलान ट्रांजेक्शन नंबर एज रिक्वायर्ड यूजिंग लिंक एट वेबसाइट www.bsedc.bihargovernment.in। तो यह जो है इसका लिंक भी दे दिया है, और यह लिंक देने से क्या है कि आप वहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कर है जो कि आप उस साइट पे जा सकते हैं। और उस साइट पर जाने के बाद है जो कि आप जैसे कि जो गलतियां किए हैं, नाम आप गलत डाल दिए हैं या डिस्ट्रिक्ट गलत डाल दिए हैं, या आपने जो बैंक में जो चालान कटवाया था उसका चालान नंबर है जो कि जो चालान नंबर जो भी आपको बैंक से बैंक चालान ट्रांजैक्शन नंबर मिला था वो अगर आप गलत अपलोड किए हैं, या बहुत सारी समस्याएँ हैं जो कि आप कर चुके हैं, तो वो सारे स्टूडेंट के लिए है जो कि एडिट और उसको चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो आप बेफिक्र होकर आप इसे चेंज कर सकते हैं और वो सारे गलतियों को आप आसानी से सुधार सकते हैं। ऐसा तो सारे फॉर्म में नहीं किया जाता है, बहुत सारे ऐसे फॉर्म होते हैं जिनमें आप एक बार फॉर्म फिलअप कर दिए हैं तो दोबारा आप कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन बिहार गवर्नमेंट की यह बहुत ही बेहतरीन साइट है bsedc.bihargovernment.in, इसमें है जो कि आपको मौका दिया है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। रेलवे वगैरह या SSC वगैरह में है जो कि SSC में तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन रेलवे में क्या होता है कि अगर आप फॉर्म फिलअप कर दिए तो उसमें आपको पनिशमेंट मिलता है, यानी कि अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं कुछ भी अगर आप गलती कर दिए हैं और फाइनली सबमिट कर दिए हैं उसके बाद है आपको अगर चेंज करना हो तो उसमें 100 रुपये आपको पनिशमेंट के रूप में देना होता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपको बेल्ट्रॉन से जो कि मौका दे रही है, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। आप bsedc.bihar.government पर जाकर इसे लॉगिन करें, और वहां पे आप जाने के बाद है जो कि आप ये सारे चीज़ें जो आपने गलती किया है उसे आप एडिट कर उसे आप चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बतलाता हूं कि किस तरह आपको चेंज करना है और कहां पे जाना है और किस तरह आपको खोलना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके पहले मैं आपको बतला देता हूँ, ये है बेल्ट्रॉन्स का साइट। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे क्या है, साइट में लॉगिन दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह के साइट आपको खुल कर आएगा। इस तरह के साइट खुलने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन LTD बेल्ट्रॉन्स। यहाँ पर आप अपना यूजर आई डी, जो भी आप फॉर्म फिलअप किए होंगे उस समय आपको एक
बेल्ट्रॉन्स की तरफ से एक यूजर आईडी दिया गया होगा, तो उसी को आपको यहाँ पे फिलअप करना है, और उसमें जो कि आपको साथ में पासवर्ड भी दिया गया था। अगर आप पासवर्ड चेंज किए होंगे तो आपका पासवर्ड दूसरा होगा, आपको शायद याद होगा। अगर आप पासवर्ड नहीं चेंज किए होंगे तो बेल्ट्रॉन्स जो कि खुद सभी को पासवर्ड दिया था। अगर आपको पता नहीं है ये दोनों चीज़, तो आप अपने मोबाइल नंबर जो डाले थे उस पर आप देख सकते हैं मैसेज के रूप में बेल्ट्रॉन्स ने मैसेज किया था, या आप जो भी ईमेल डाले हैं यानी कि जीमेल जो भी डाले हैं उसमें भी बेल्ट्रॉन्स ने मैसेज किया सभी को। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका यूजर आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है, और यहाँ पे कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद जो कि आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद ही है जो कि आपका डायरेक्ट है जो कि एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा, और वहाँ पे आप आसानी से जो कि सारा जो फॉर्म जो आप गलत फिलअप किए हैं उसको आप आसानी से एडिट कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा परेशानी क्या होगी, अगर आपने ट्रांजेक्शन नंबर यानी कि आप अगर आप बैंक में 1000 रुपीज़ जो जमा किया है उसका अगर आप ट्रांजेक्शन नंबर जो बैंक से मिला था वो अगर आप गलती से डाल दिए हैं और उसे आप अगर नहीं सुधारेंगे तो आपका जो यह जो फॉर्म है वो पूरी तरह से रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि आपका यह फॉर्म कोई भी काम का नहीं रह जाएगा। इसलिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, आप जो भी ट्रांजेक्शन नंबर यानी कि बैंक चलान का जो भी आप ट्रांजेक्शन नंबर डाले हैं वो सही सही होना चाहिए, तभी है जो कि आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्रूव्ड हो पाएंगे, तभी आपका एडमिट कार्ड आएगा। और यह जो है बेल्ट्रॉन्स की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट है, यह शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, इसलिए मैं जो कि सारे स्टूडेंट को जो भी इसमें फॉर्म भरने वक्त जो कि गलती किए हैं वो सारे को मैं अलर्ट कर दिया हूँ, तो आप ज़रूर से इसे एक बार देख लें। और जो भी स्टूडेंट गलती नहीं किए हैं तो वो भी आप लॉगिन कर वो भी देख सकते हैं, अगर वहाँ पे भी उनको कोई मिस्टेक मिल जाती है तो वहाँ पे भी वो सुधार सकते हैं। और जिन स्टूडेंट को यूजर आईडी मालूम है पासवर्ड नहीं मालूम है तो यहाँ पे आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं, आप जो मोबाइल नंबर दिए हैं और जो जीमेल दिए हैं वहाँ पे एक पासवर्ड जाएगी OTP वहाँ पे डालना है, फिर आप आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, और इसमें आप क्या चेंज कर सकते हैं, जैसे कि उसमें कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए उस समय फॉर्म भरने के टाइम में बोला गया था, तो उस समय है जो कि 3-4 डॉक्यूमेंट है जो कि आपके लिए कंपलसरी था, तो वो भी डॉक्यूमेंट अगर आप गलत कर दिए होंगे अपलोड तो उसको भी आप एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, यह आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस तरह के है जो कि हर पल के अपडेट बेल्ट्रॉन्स से रिलेटेड मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह है जो कि आप हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।